Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Amjid. Welcome to 8th computer science class. Today we will discuss chapter number 1, computer networks. And first of all, we will discuss dial-up modems. Dear students, dekhen dial-up modem jo hai kya hota hai. Dial-up modem hamare paas wo device hai jo hame internet connection provide karta hai. Dear students, dekhen yahan pe hamare paas ek dial-up modem hai. तो डायल अप मॉडेम के पीछे वाले साइड पे हमारे पास यहां पे एक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस का केबल जो है ये कनेक्टेड होता है. तो डियर स्टूडेंट देखें, ये जो टेलीफोन लाइंस में जो सिग्नल्स आते हैं तो वो एनालॉग वेव्स की फॉर्म में जो है सिग्नल्स आते हैं. तो डियर स्टूडेंट जब ये इस डायल अप मॉडेम तक पहुंचते हैं तो डायल अप मॉडेम जो है इन एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में. तो फिर इसी मॉडेम को एक वायर के जरिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है जहां पे ये डिजिटल सिग्नल्स जो है वो सेंड किए जाते हैं और हमारा कंप्यूटर जो है फिर इंटरनेट के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है. फिर डियर स्टूडेंट्स, ये डायल अप मॉडेम जो है ये बहुत ही पुराने जमाने की जो है डिवाइस है, ठीक है. तो फिर इसकी स्पीड जो होती है इस डायल अप मॉडेम्स की तो 56 किलोबिट्स पर सेकंड होती है, ठीक है. फिर उसके बाद देखें डियर स्टूडेंट, आजकल जो है डायल अप मॉडेम की जगह जो है DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को जो है वो रिप्लेस किया गया है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट, डायल अप मॉडेम कनेक्शन में जो है मॉड्यूलेशन का कांसेप्ट यूज होता है. तो डियर स्टूडेंट देखें, मॉड्यूलेशन क्या होता है. मॉड्यूलेशन हमारे पास मॉडेम का वो प्रोसेस होता है जहां पे हम डेटा को जो है वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन कहलाता है. तो डियर स्टूडेंट्स देखें, हाँ, यहाँ पे हम जो है एनालॉग सिग्नल्स को डिस्कस करेंगे और डिजिटल सिग्नल्स को, कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिसमें डेटा एक कंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करता है. तो इन वेव्स के अंदर देखें, जो डेटा ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हाई वोल्टेज फॉर्म में जो है वो ट्रेवल कर रहा है. तो जहाँ पे हाई वोल्टेज वेव्स है तो यहाँ पे हम इसको ऑन कंसिडर करते हैं, और जहाँ पे हमारे पास लो वोल्टेज वेव्स हैं तो उसको हम ऑफ कंसिडर करते हैं. तो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स जो है कहलाते हैं. फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स हैं. तो डिजिटल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिसमें हमारे पास सिग्नल्स जो है एक नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करते हैं. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, सिग्नल्स को जहाँ पे जो हाई वोल्टेज है उसको हम जो है वन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लो वोल्टेज है उसको हम जो है ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये एक डायल अप मॉडेम कनेक्शन कहलाता है. तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे इसका जो है एक डायग्राम है. तो इस देखें कि डायल अप मॉडेम किस तरह काम करता है. डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन है और यहाँ पे पूरी दुनिया इस इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट है. फिर इस वायर को हमने वायर के साथ जो है हमने इसको एक बिल्डिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो ये बिल्डिंग जो है क्या है, ये कंपनी है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. और फिर हमें इससे जो है एक टेलीफोन कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, और इसको एक टावर के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर हमें जो है पहुँचा दिया गया है. और यहाँ पे जो टेलीफोन लाइंस का कनेक्शन है ये जो है एक टेलीफोन डायल अप मॉडेम के साथ कनेक्ट किया गया है. तो डियर स्टूडेंट, इन टेलीफोन लाइंस में जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं वो एनालॉग वेव्स में आते हैं. तो यहाँ पर पहुँचते ही इस डायल अप मॉडेम के साथ जो है वो स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं. मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डेटा जो है वो एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडेम जो है यहाँ से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके वन बाइनरी फॉर्म में, 101 फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करके इस कंप्यूटर तक भेज देता है जहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो है फिर इंटरनेट के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है टेलीफोन डायल अप मॉडेम जो है कहलाता है. फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम है. यहाँ पे हमारे पास जो है एक दो कंप्यूटर हैं यहाँ पे. तो देखें, एक कंप्यूटर जो है वो ए है, दूसरा कंप्यूटर बी है. हम इस ए कंप्यूटर से अगर कोई भी पिक्चर है, साउंड
है या टेक्स्ट है सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें, एक कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, 101110111 फॉर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस कंप्यूटर से हम डेटा को बाहर ऐसी डिजिटल डेटा को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक केबल लगा देते हैं और इसके साथ एक मॉडेम कनेक्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे, फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर इन डिजिटल सिग्नल को ये मॉडेम जो है एनालॉग फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। फिर इसको जो है एक टेलीफोन लाइन के ज़रिए दूसरे मॉडेम को जो है सेंड किया जाता है जिसको हम रिसीव मॉडेम कहते हैं। इस पे जो है हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको हम रिसीव करते हैं। यहाँ पे फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। फिर जो है अगेन यहाँ पे जो है ये मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और फिर इसको एक वायर के ज़रिए इस कंप्यूटर बी तक जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये हमारे पास डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।